हाय, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल क्रैक ग्रुप मेडिको। बहुत दिनों से जो है वो न्यूज़ आ रही थी कि नीट को एग्जाम को लेके क्यों पोस्टपोन होगा, क्या होगा। तो एज ऑफ नाउ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है और हम लोग उसी हिसाब से जो है अपनी पढ़ाई बंद नहीं करेंगे। हालांकि अभी बहुत सारे लोग जो है पोस्टपोन की बात कर रहे हैं और पोस्टपोन होने के लिए जो है बोला जा रहा है, बट फिर भी जो है हम उस चीज में ना पढ़ के अपना प्लान को, अपनी स्टडी को जो है, जो रिमेनिंग हमारे पास 20 डेज 22 डेज बचे हुए हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करेंगे। तो एग्जाम होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग तैयार रहेंगे, और अगर पोस्टपोन होता है तब भी जो है हम लोग दोनों तरीके से हम लोग सेफ रहने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो आने वाले जो रिमेनिंग 20 डेज हैं, उन 20 डेज में हम लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है और क्या चीजें हम लोग को माइंड में याद रखनी है, क्योंकि 20 दिन में रिवीजन भी करना है, फार्मूले भी याद करने, सब कुछ करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स जो है वो दूंगा कि किस तरीके से आप लोग इफेक्टिव स्टडी को बना सकते हैं। ओके, सो अगर किसी ने वीडियो को जो है सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले 20 दिन कंटिन्यू जो है मैं बैक टू बैक जो है कुछ अनाउंसमेंट मेरी तरफ से है, जो मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि क्या नया अनाउंसमेंट होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे जो है मैं वो 5 टिप्स आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और सभी लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से फॉलो करने की भी कोशिश करिएगा। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टिप्स जो है, जो कि मैं बहुत सारे बच्चों के बीच में जो है वो देख रहा था कि लोग प्रॉब्लम में है इस समय, कि पहली चीज, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, रिवाइज किया है, नहीं किया है, प्लीज आप अभी के चीजों को लेके अपना फाइनल नीट एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर मत करिए। आप अपना अभी बेस्ट करिए, जितना एफर्ट आप कर सकते हो उतने एफर्ट से आप पढ़ाई करिए। रिजल्ट क्या आएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या चीजें होंगी, वो सब चीजें बाद की हैं। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है, जो चीज आपके हाथ में है आप उस पर कंट्रोल करिए, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, है ना। तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने आप को जज नहीं करें अपने नीट के रिजल्ट के लिए। आप अपनी तरफ से खुद पे जो है विश्वास रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जो होगा वो जो है बाद में आप लोग देखिएगा। क्योंकि अगर इस रिमेनिंग डेज में अगर आपने इस पे फोकस किया कि हमारा तो अभी जो है हम अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या अभी हमने पढ़ा, हम फार्मूले नहीं याद है, भूल गए, पता नहीं फाइनल में क्या होगा, तो ये सारी चीजें दिमाग में मत लाइए। जो चीजें हैं उसको जो है रिवाइज करिए, फार्मूले याद करिए, वो सारी चीजें करते रहिए। तो सबसे पहली चीज आप लोग को बच्चों याद रखना है कि आप अपने आप को प्री जज मत करें। दूसरी चीज आती है कि क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, सिर्फ 20 से 22 डेज ही बचे हुए हैं, तो सबसे पहली रिकमेंडेशन जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तीनों सब्जेक्ट में वो 20 मेजर टॉपिक को लिखिए जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिनमें से पूछे जाते हैं, और इनका मैंने वीडियो भी जो है बना के डाला हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा और आप लोग को बता भी दूंगा कि वो वीडियो कहाँ पे अवेलेबल है अभी, ठीक है। तो उन वीडियोस को देखिए, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, और उन 20 टॉपिक्स जो मेजर हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, और उनके क्वेश्चंस को जो है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लास्ट टाइम आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए बैठ के, वो चीज बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ उनके फार्मूले सब जरूर आप लोग याद रखिए। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि टॉपिक्स को जो है आप लोगों को 20 मेजर टॉपिक्स उनको आपको याद रखना है। तीसरा चीज आता है कि कम से कम किसी को कोई मॉडल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी कोचिंग टेस्ट पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस आप दो चीजें करिए, पहला ये कि पिछले साल के जो पेपर हैं उनको आप सॉल्व करिए, कम से कम डेली का आपका टारगेट होना चाहिए कि एक पेपर आपको डेली सॉल्व करना है। दूसरा चीज, जो एनटीए ने जो है एप्लीकेशन जो है आप लोग को शेयर की है, वहां से भी जाके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि वो एनटीए द्वारा खुद बनाया गया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं उनमें से भी क्वेश्चंस आने के नीट में, ठीक है। तो दूसरा ये आपको करना है कि डेली कम से कम एक आपको पेपर जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को सॉल्व करना ही करना है। अब ये मत ध्यान रखिए कि रिजल्ट कितना आएगा, कितने नंबर मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, आप टारगेट रखिए हमको सॉल्व करना है, और जो मिस्टेक्स हो रही है, जहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसको नोट डाउन करिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए हमसे, मैं आपको वीडियो को थ्रू जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चौथा चीज आता है कि कम से कम डेली जो है, मैं 20 दिन का टारगेट आपको बता रहा हूँ, डेली जो आप एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में रिवाइज करिए, उसके फॉर्मूले को लिख के याद करिए, ठीक है। नेक्स्ट डे जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ें तो पहले वाले चैप्टर को फिर से एक बार फॉर्मूले रिवाइज करके जरूर याद रखें, ओके। तो ये था टिप्स नंबर 4। लास्ट पॉइंट आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कि प्लीज 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 स्टूडेंट्स ये मत ध्यान दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। लोगों का काम है कहना, और लास्ट मोमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग जो है उठपटांग की बातें बोलेंगे, आपको उनपे ध्यान नहीं रखना है। ओके सो मैं पूरी समरी करता हूँ इन सारे 5 पॉइंट्स को। 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला चीज कि आप अपने रिजल्ट को जज मत करिए कि रिजल्ट कैसा आएगा कैसे नहीं, आप अपना एफर्ट करिए। दूसरा चीज, जो मेजर टॉपिक्स उन मेजर टॉपिक्स में 20 मेजर टॉपिक्स को पढ़िए और उन टॉपिक्स को रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले जो आपके सबसे फेवरेट टॉपिक्स हैं, है ना। उन फेवरेट टॉपिक्स को जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जो है आप धीरे धीरे जो है उन 20 टॉपिक्स में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपका फेवरेट टॉपिक है उसके अंदर, ठीक है। तीसरी चीज जो है, कम से कम आपको डेली एक पेपर जो है वो दिन भर में सॉल्व करना है। दूसरा, जो भी आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं उसका फार्मूला आप लोगों को लिख के याद करना है। ओके एंड लास्ट, आपको कौन क्या बोल रहा है इन एग्जाम की जब तक नहीं हो जा रहा है 20 दिन 22 दिन के अंदर, तब तक जो आप लोगों को कोई भी चीजें सुनने की जरूरत नहीं है कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। ओके अब बात आती है कि किन पे प्लेलिस्ट की बात कर रहा था। देखिए, जैसे आप जो है वो क्रैक मेडिकल चैनल पर जाएंगे, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि एक प्लेलिस्ट है यहाँ पे मेजर 2020 मेजर टॉपिक्स। सो यहाँ पे मैंने जो है टॉपिक्स की वीडियोस आप लोग को डाल के रखी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हर साल आते हैं उसका भी मैंने बताया हुआ है। तो वो 20 टॉपिक्स आप लोग वहां से पिकअप कर सकते हैं। फिर जो है एक और बहुत अच्छी चीज मैंने प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के वन शॉट रिविजन वीडियो भी डाल दिए हैं, है ना, जिससे आप लोगों को जो है इसमें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा कि अगर मान लीजिए आप फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको समरी के फॉर्म में करके फिजिक्स के वन शॉट रिवीजन वीडियो के अंदर वो सारी वीडियोस डाल दी हैं, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके उसके अलावा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर तुरंत पूछें, क्योंकि ये 20 दिन जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से एफर्ट करके पढ़ने हैं। ओके और सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आज की डेट में जो है वो COVID-19 चल रहा है, प्लीज आप सभी लोग जो है अपने अकॉर्डिंग जो है एक दूसरे का मदद करते रहें, एक दूसरे के लिए जो है सतर्क रहें, घर पे रहें, और जितना ज्यादा हो सके जो भी प्रिकॉशंस हैं उन प्रिकॉशंस को फॉलो करिए आप लोग। ओके थैंक्स टू ऑल वीडियो को वॉच करने के लिए, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और नाउ नाउ अनाउंसमेंट जो मैंने बोला था आप लोगों को मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वो अनाउंसमेंट ये है कि जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर जो है आप लोगों को जो मैंने मेजर टॉपिक्स बताए हैं 20, उन मेजर टॉपिक्स के एक एक वीडियो करके मैं उनके अंदर के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले से उन फार्मूले का वीडियो भी आपको दे दूंगा। ओके थैंक्स टू ऑल, और आप प्लीज वीडियो को अगर किसी ने भी शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। ओके थैंक्स टू ऑल।